स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जिन ग्राहकों ने अभी तक मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं करवाया है, उनकी इंटरनेट बैंकिंग सेवा शनिवार से बंद हो सकती है। इस बारे में बैंक पहले ही ग्राहकों को मैसेज भेज चुका है। इसके अलावा एसबीआई का मोबाइल वॉलेट एसबीआई भी बंद हो गया है। एसबीआई की शाखाओं से पेंशन की रकम निकालने वाले 76 साल तक की उम्र के पेंशन धारकों को लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पेंशन धारकों पर लागू होगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों को अब 77 रुपए सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। शुक्रवार तक ये घरेलू टिकट पर 10 रुपए और इंटरनेशनल पर 45 रुपए था। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सर्विस चार्ज रिवाइज करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा ड्रोन उड़ाने को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी जुड़ी राष्ट्रीय नीति तैयार की है। इसके तहत ड्रोन के मालिकों और पायलटों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उड़ान की अनुमति लेनी होगी। इसके लिए ऐप पर आवेदन कर तुरंत डिजिटल परमिट लिया जा सकता है। 1 दिसंबर से जो एक और बड़ा बदलाव हुआ है उसके मुताबिक पैन के लिए आवेदन में पिता की जगह अब माँ का नाम भी दिया जा सकेगा। ये व्यवस्था उन आवेदकों के लिए की गई है जिनके माता पिता किसी वजह से अलग हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएम।